चलिए आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक कारक का मतलब होता है इंग्लिश में उसको केस बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? केस। तो यहाँ एक स्टोरी मैंने लिखा है, उसके द्वारा मैं बताती हूँ कि कारक क्या होता है। कारक का मतलब होता है कि संज्ञा या सर्वनाम, ये जो शब्द होते हैं जो हमारे वाक्य होते हैं उनको जोड़ने का काम क्या करता है? कारक। कारक क्या करता है? एक शब्दों को दूसरे शब्दों से जोड़ने का काम क्या करता है? कारक। जैसे एक बहेलिए ने दो तोते पकड़े। अब देखिए यहाँ पे एक बहेलिया, कौन सा? बहेलिया। बहेलिया, बहेलिया का मतलब क्या होता है? जो शिकारी होता है उसे बहेलिया बोलते हैं। तो एक बहेलिया, बाय द वे ने हटा, उसको हटा दे, दो तोते पकड़े। किसने पकड़े? तो बहेलिया ने। तो यहाँ पे ने क्या है? इन दोनों को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो क्या हुआ? एक बहेलिए ने दो तोते पकड़े। तो जो ये ने है ये क्या है? कारक। ने है वो क्या है? कारक है। वही एक को उसने चोर को बेचा और दूसरे को उसने सज्जन को। यहाँ देखिए एक को किसको बेचा? तो यहाँ जो को है वो भी क्या है? कारक है, चोर को। तो ये को एक कारक है, बेचा। दूसरे को किसने बेच किसको बेचा? वो सज्जन, यानी कि जो को होता है वो क्या होता है? कारक होता है। क्या होता है? कारक। जो जो शब्दों को जो वाक्य होते हैं जो हम बोलते हैं, तो उन शब्दों में का, ने, को, का, से, पर, में जो आते हैं, ये शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? कारक होते हैं, शब्दों को जोड़ के रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक बार राजा चोर के मतलब जो है वो है क्या? कारक है। ये देख से कारक है। गुजर रहे थे तो तोता चिल्लाया। तोता क्या चिल्लाया? शिकारी आया है, इसे पकड़ो। देखो, एक बार राजा चोर के घर से गुजर रहे थे तो तोता चिल्लाया। जो तोता था वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया? शिकार आया है, इसे पकड़ो। राजा तेजी से यानी कि कारक है, आगे बढ़ गया। तभी सज्जन का, वहीं पे आगे में कुछ दूर में सज्जन का घर था, तो उनके घर का तोता बोला, तोता राजा को वो क्या है? कारक है। देखकर बोला, आइए बैठिए, आप थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। क्या बोल रहा है वो तोता? कि आइए बैठिए, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। राजा लौटकर अपने मंत्री को मतलब कारक पूरी बात बताई। तब मंत्री ने कहा, यही तो संगति का असर है। देखिए, अब यहाँ पे मैंने जिस जिस शब्द को अंडरलाइन किया है, जिस जिस वर्ड को अंडरलाइन किया है शब्द को, वो क्या है? कारक। कारक का मतलब क्या होता है? कारक का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम, शब्दों के जिस रूप से बाकी के एक दूसरे के साथ उनके संबंध को दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं? कारक। इसको इजी शब्द में हम क्या बोलेंगे? कि शब्दों को जो जोड़ के रखता है, जो हमारे वाक्य बनते हैं वो एक दूसरे से लिंक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे राम ने रावण को मारा, राम रावण को मारे। ठीक है, राम रावण को मारे, राम रावण को मारे। तो यहाँ पे जो को आया और राम ने, अगर हम यहाँ पे राम रावण, तो यहाँ किसने मारा? तो ने जो है वो इनविजुअल है, लेकिन राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो जो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ ने और को, ये क्या है? कारक। ये दोनों क्या है? इस सेंटेंस को जोड़ के रख रहे हैं। उसी प्रकार देखिए स्टोरी कितनी अच्छी है। बोला, एक बहेलिए ने दो तोते पकड़े। एक बहेलिया है, वो किसने तोते पकड़े? दो तोते पकड़े। एक को उसने चोर को बेचा। किसको बेचा? चोर को बेचा। और दूसरे को उसने सज्जन, सज्जन मतलब जो अच्छा आदमी होता है उसे सज्जन बोलते हैं। एक बार राजा चोर के घर से गुजर रहे थे। राजा कहां से गुजर रहे थे? चोर के घर से। तो तोता चिल्लाया, शिकारी आया है, उसे पकड़ो।
क्या बोले, शिकारी आया, सॉरी शिकार आया है, पकड़ो। राजा तेजी से आगे बढ़ गया। तभी सज्जन का तोता राजा को देखकर बोला, वहीं पे कुछ देर में सज्जन का घर था, तो तोता बोला, क्या बोला, आइए बैठिए। जो सज्जन के घर का तोता था वो बोला, आइए बैठिए, आप थक गए होंगे, थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। वह तोता क्या बोल रहा है, आइए बैठिए, आप थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। राजा लौटकर अपने मंत्री को पूरी बात बताए। अब राजा अपने राजमहल में गया और अपनी मंत्री को बताया कि ऐसा क्यों। तब मंत्री ने कहा, यही तो संगति का असर है, यही तो संगति का असर है, मतलब हम जैसे लोगों के पास रहते हैं उनके गुण हम में आ जाते हैं। हम जैसे जिस माहौल में, जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश का गुण हम में आ जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखना चाहिए। ठीक है।